भाजपा राजस्थान में विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ेगी। किसी एक नेता को ना तो मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करेगी और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से किसी नेता को आगे किया जाएगा। मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक में होगा। कमल के फूल को आगे रखकर भाजपा राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। टिकट का फैसला पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी करेगा। आपको बता दें कि भाजपा राजस्थान में विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व के आधार पर अब लड़ने वाली है। कमल के फूल को आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्यों से सभी 200 विधानसभा सीटों के संभावित प्रत्याशियों के नामों पर फीडबैक लिया जाएगा, लेकिन अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। टिकट तय करने से पहले दौर में कोर कमेटी के सदस्यों से 65 सीटों के लिए संभावित प्रत्याशियों के नामों की सूची ले रखी गई है। शेष 135 सीटों पर अगले 2 से 3 दिन में सूची मांगी जाएगी। प्रत्याशियों की पहले सूची कभी भी जारी की जा सकती है। केंद्रीय नेतृत्व ने सूची तैयार भी कर ली है। इसी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और संभावित प्रत्याशियों के बारे में कोर कमेटी के सदस्यों से चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष बुधवार शाम को जयपुर पहुंचे। शाह और नड्डा ने प्रदेश नेतृत्व को साफ संकेत दिए कि कोई नेता खुद को आगे रखने की कोशिश नहीं करे, किसी नेता के होर्डिंग्स और पोस्टर नहीं लगाए जाए। नेताओं ने कहा कि प्रचार सामग्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के फूल का उपयोग होगा। शाह और नड्डा ने कोर कमेटी के करीब 2 घंटे तक बैठक की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की शाह और नड्डा के साथ अकेले में मुलाकात होने की बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने साफ किया कि किसी भी वर्तमान विधायक को सीट बदलने की अनुमति नहीं होगी। विधायक को उसी सीट से टिकट दिया जाएगा जिसका वे अभी प्रतिनिधित्व कर रहा है। राजस्थान से जुड़ी पॉलिटिक्स पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।